आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी नाटक। ठीक है, हिंदी उपन्यास उपन्यास पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ लिया था हिंदी नाटक एंड नाटककार। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट थ्री है ये। देखिए, बहुत सारे नाटक, एक थोड़ी ना नाटक बना होगा, हजारों, 10,000, 15,000 झारखंड का कोई ना कोई राइटर अभी तक बना चुका है। तो इसमें से क्वेश्चन बस उसी से आएंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। आप कैसे चुनेंगे, या तो किसी फेमस राइटर ने लिखा है तो इम्पोर्टेंट होगा, या तो वो बुक कोई प्राइज लिया हो तब फेमस होगा, या किसी लड़की ने लिखा है वो बुक इम्पोर्टेंट होगा। उसी तरह सर, मैंने चुन के लगभग 20 बुक्स अभी लाया हूँ जो सिर्फ नाटक है, नहीं कहानी नहीं है वो, ना ही वो कोई कविता संग्रह है, ना कहानी संग्रह है, ना उपन्यास है, ये नाटक है। नाटक उसकी बुक को कहते हैं दोस्तों, जिसको स्टेज में जाके शो किया जा सकता है, स्टेज में जाके प्ले किया जा सकता है, उस स्टोरी को नाटक कहते हैं, उसको स्टोरी ना कह के नाटक कहते हैं। और उपन्यास और स्टोरी में ये अंतर है, स्टोरी में बस छोटा होता है, प्लस उसमें एक ही जो हेड कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। उपन्यास में क्या होता है, ये बहुत लंबा होता है, प्लस उसमें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पता नहीं चल पाता है, मतलब कौन सा करेक्टर ज़्यादा मतलब मैन है पता नहीं चल पाता है। ये करेक्टर का रोल होता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर उसका बड़ा रोल हो जाता है, एक लंबा सीरीज चलता है, उसको उपन्यास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग नाटक जिस चीज़ को, जिस कहानी को एक स्टेज में प्ले कर सकते हैं, उस कहानी को नाटक कहते हैं। तो देखिए, झारखंड का पहला हिंदी नाटक, ठीक है, पहला हिंदी नाटक अगर आपसे पूछेगा तो कौन है, ग्रह का फेर, ग्रह का फेर। ठीक है, ये 1913 ईस्वी में लिखा गया, डेट याद रखने, ये साल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अनंत सहाय अखोरी, अनंत इसके जो लेखक है, अनंत सहाय अखोरी, तो ये पहला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा पहला नाटककार झारखंड का, अनंत सहाय अखोरी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है रामदीन पांडे। ठीक है, आपने कहानी में भी, ये उपन्यास में भी इसका उपन्यास पढ़ा था, और रामदीन पांडे, और ये नाटककार भी है और कहानी उपन्यासकार तो था ही, पिछले वीडियो में देख लिए। जीवन यज्ञ और ज्योतोष्णा, ज्योतोष्णा ये देख लीजिए, ज ज दोनों ज ज है, इसलिए याद करने में आपको रामदीन पांडे का नाटक हार्ड नहीं लगेगा। ये फेमस राइटर है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहला बुक है, मतलब पहला नाटक प्ले है, इसीलिए वो ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। वो द्वारिका प्रसाद, आपने द्वारिका प्रसाद का आपने देखा उपन्यास भी था और ये भी है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो द्वारिका प्रसाद का जो उपन्यास है, ये नाटक है दोस्तों, आदमी। ठीक है, चौथा, आप राधा कृष्ण का नाम सुने होंगे, लाल बाबू इसका टाइटल है, और जिसका टाइटल आप जानते हो, टाइटल जिसका दिया गया है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण का टाइटल है लाल बाबू, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट जीवन चरित्र का वीडियो बना दिया हूँ, उसके सारे कहानी नाटक बाल साहित्य साहित्य सारे का उसमें वर्णन है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो राधा कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हिंदी के लेखक नाटककार ये सब है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंचा स्थान राधा कृष्ण का है, इसलिए इसका सब कुछ इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो, अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ और बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी हुई बात, ये राधा कृष्ण का नाटक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं गिरधारी राम गोंजू, ये बहुत फेमस है कहानी, गिरधारी राम गोंजू, इसका टाइटल क्या है, गिरधर। ठीक है, इसका टाइटल है गिरधर, गिरधारी राम गोंजू गिरधर, तो आप सॉरी गिरधर नहीं, गिरिराज, गिरी राज।
टाइटल यहाँ से याद रख सकते हो, गिरधारी गिरराज एक ही जैसा है। तो ये फेमस राइटर है, इसको टाइटल भी मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका नाटक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका बहुत ही अच्छा नाटक है जो किसी व्यक्तित्व परिचय बताता, किसी व्यक्तित्व के ऊपर वो नाटक है। जैसे महाराजा मदरा मुंडा, महाराजा मदरा मुंडा, मुंडा राज्य का आखिरी राजा जो था, मुंडा राज्य का आखिरी राजा मदरा मुंडा, इसी मदरा मुंडा ने अपना राज्य सौंप दिया फणी मुकुट राय को। वही राज्य फिर मुंडा राज्य से बदल के वो नागवंशी राज्य हो गया। तो महाराजा मदरा मुंडा गिरिराज गिरधारी राम गोंजू गिरिराज का नाटक प्ले है। दूसरा है देखिए जयपाल सिंह, मारांग गोम के जयपाल सिंह। देखिए ये गिरिराज साहब का जो दोनों नाटक प्ले है वो किसी झारखंड के महान व्यक्तित्व के ऊपर है, इसलिए इसको याद रखना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद बालेंदु शेखर तिवारी, इसका भी याद रखना बहुत आसान है, बालेंदु शेखर तिवारी। देखिए क्यों ये एकदम सिंपल है, सिनेमा से रिलेटेड दोनों प्ले है। देखिए इसका एक का मीडियोत्सव, ये मीडिया उत्सव जो है ना, मीडिया उत्सव मतलब मीडिया का उत्सव, तो ये सिनेमा से रिलेटेड है। और दूसरा है इसका फिल्मेरिया, बहुत चर्चित बुक है ये दोनों, स्पेशली फिल्मेरिया बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो बालेंद्र शेखर तिवारी का बुक सिनेमा से रिलेटेड, मीडिया उत्सव, फिल्मेरिया, इसमें कितना आसान है, ये तो फट से आपको देखते याद हो गया। ये भी व्यक्तित्व के वजह से, दो महान व्यक्तित्व का उससे याद हो गया। राधा कृष्ण तो याद करना आपकी मजबूरी है। उसके बाद ग्रह का फेर, ये भी याद ही हो गया होगा। रामदीन पांडे का जौ जौ से याद कर लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, अब दो चार बार देखेंगे याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक महिला है आनंदिता, बहुत फेमस नाटककार है झारखंड का, आनंदिता बहुत सारे किताब लिखी है इसने, नाटक लिखी है, लेकिन जो मेन है वो हम लोग याद करेंगे, मांदर बज उठा। क्लियर, आनंदिता का हो गया। अब आएंगे अशोक कुमार, देखिए इसको टाइटल मिला हुआ अंचल, ठीक है। एक साथ पढ़िए तो आपको सारा याद हो जाएगा, टाइटल भी और नाम भी। अशोक कुमार अंचल का है पागलखाना, ठीक है। उसके बाद विनय कुमार पांडे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने क्षमता अनुसार याद कर लीजिए। अगर आपकी कम क्षमता है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बाकी क्षमता है तो याद कर लीजिए। विनय कुमार पांडे, परिजात और परिधि, ठीक है। अगला है शिव शंकर मिश्र, इसका है लड़कियां, ठीक है। इसको भी याद कर सकते हैं तो कीजिए, क्षमता के अनुसार इम्पोर्टेंट है, ना कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैं बता चुका, ठीक है। सत्यनारायण किरण, तपस्विनी, ठीक है। उसके बाद श्रवण कुमार गोस्वामी, इसको भी छोड़ सकते हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी एकदम मत छोड़िए, ठीक है। श्रवण कुमार गोस्वामी का किताब है पति सुधार केंद्र, हमारी मांगे पूरी करो। मान लीजिए एक लेडीज ने बोला हमारी मांगे पूरी करो, किससे, अपने पति से, पति नहीं दिया तो पति को ले गया, पति सुधार केंद्र, दो बुक है इसका, हमारी मांगे पूरी करो और पति सुधार केंद्र, श्रवण कुमार गोस्वामी का, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। बालमुकुंद पेनाली,
बाल मुकुंद पैनाली, इसका फेमस, बहुत फेमस बुक है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपके, रावण वध। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट ही लाया हूँ, बाकी छांट दिया हूँ जो जो नहीं आता है। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अमरनाथ चौधरी का इंद्रधनुष, अमरनाथ चौधरी इंद्र धनुष याद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अशोक पागल, अशोक पागल, ठीक है, इस ये नाम है, इसकी बुक है परशुराम कहाँ हो, ये नाटक है इसका। और दूसरा नाटक इसका है सागर तट की नदी, सागर तट की नदी, ये देख लीजिए। जितना मैंने बताया आपका एग्जाम में अगर आएगा तो इसी के भीतर से आएगा, बाकी तो हजारों है, हजारों तो आप याद नहीं कर सकते हो, ये तो चरम सत्य है, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरा बात मानिए, इन सारे को याद कर लीजिए, इससे बाहर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। उसके बाद कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, आ भी सकता है, मैं ये गारंटी नहीं दूंगा, बट सारे इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद करा दिए। ये सारे क्या, सारे हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक, ठीक है, हिंदी नाटक बता दिया, हिंदी उपन्यास बता चुका हूँ, उपन्यास, अब कहानी, कविता, ये सब सारे धीरे 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 बताऊंगा।